Sen ben adamı akşam sen getirin. कहते हैं कुरहान और कोनूर अपनी तैयारियां मुकम्मल करो, बंदरगाह पर जाओ, हमें वहां की खबर की जरूरत है। उस्मान कहते हैं बेटा अब तुम वहां सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने जा रहे हो, बहादुरी दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। कुरहान कहता है ऐ वल्लाह जनाब। बुरान कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। बुरान अंदर आकर कहता है जनाब हमें नोयान के सरदार अब्दुल कासिम मिल गया है, वो अपने 10 नौकरों के साथ छिपा हुआ है। उस्मान कहते हैं हमें इस कुत्ते से बहुत कुछ मालूम करना है और रूम का जिल्लाद, वो अपनी तैयारियां अच्छी तरह से कर रहा है, वो वाजिया तौर पर हमें मुसीबत में डालेगा, लेकिन पहले हमें मंगोलों को देखना होगा। गुंदोज बे को खबर दो हम जा रहे हैं। बुरान चला जाता है। इसके बाद अथरानोस का मंजर सामने आता है। बाइंदर बे किला में दाखिल होते हैं। ओलिविया पूछती है बाइंदर बे जैसे तुर्क कहते हैं सलामत रहें। बाइंदर कहते हैं जीती रहें ओलिविया खातून, क्या तैकुरान आए हैं? ओलिविया कहती है अभी नहीं, लेकिन वो सब जल्द यहाँ होंगे। वो सब मुतजस्सिस हैं कि आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है और मैं भी। ओलिविया पूछती है उस्मान बे और क्या चाहते हैं? बाइंदर बे कहते हैं टैकफोरों के साथ आने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान और बाला को दिखाया जाता है। बाला कहती है क्या तुम अरहान के बारे में सोच रहे हो? उस्मान कहते हैं मुझे बताओ बाला खातून, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाला कहती है अगर ऐसा हुआ तो इत्तेहाद होगा, ये सब के लिए अच्छा होगा, और औरान का दिल टूट गया है उस्मान साहब। उस्मान बे कहते हैं मैं जानता हूँ। सिपाही कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? अलाउद्दीन अंदर दाखिल होता है। अलाउद्दीन कहता है मुझे आपको कुछ बताना है बाबा जान। अलाउद्दीन कहता है अम्मा जान आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। उस्मान कहते हैं क्या हुआ बेटा? बाला कहती है क्या ये गौचा के बारे में है? वो गायब है इसलिए। अलाउद्दीन कहता है गौचा गायब नहीं है, वो हमारे महल में मौजूद है। उस्मान कहते हैं तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? अलाउद्दीन कहता है गौचा खातून कल गौचा खातून ताजुद्दीन के बाजार आने की यानी शहर मुझे खबर देने के लिए आई थी। जब कातिल औरत ने मुझ पर हमला किया वो मेरे सामने आ गई, वो जख्मी हो गई हैं। उस्मान बे कहते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ गर्मियान ओगरू याकूब साहब की बेटी अभी यहाँ है, वो महल में है अलाउद्दीन। क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ जख्मी है? उस्मान भी कहते हैं मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूँ लेकिन उस्मान अलाउद्दीन कहता है लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अलाउद्दीन कहता है महमद बे गोंचा को मुझसे बात करने पर मार देता, मैं इसके ठीक होने से पहले किसी को नहीं बता सकता था। बाला कहती है ठीक है अब वो कहाँ है? अलाउद्दीन कहता है उसका जख्म सख्त जगह पर था लेकिन अभी वो ठीक है, वो अलगिन खातून के कमरे में है। उस्मान कहते हैं बेटा मैं अपने महल में कोई राज नहीं चाहता, जान लो अब जाओ और महमद साहब को बताओ कि गोंचा कहाँ है।
धूतर ओरहान को दिखाया जाता है। मालून अतियर कहती है, मेरे ओरहान। ओरहान कहता, मैं सोच रहा था कि अम्मा किस वक्त आएंगी। मालून कहती है, अम्मा तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहती थी, तुम कब बड़े हुए कि तुम पर इतना बोझ है। ओरहान कहता है, आप जो नहीं कह रही वो मैं जानता हूँ, आप शादी के मसले पर बात करना चाहती हैं। मालून कहती है, मेरे सूरज और सितारे, मेरे बहादुर बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम उस्मान बे के बेटे हो, तुम्हारी अजीम जिम्मेदारी रियासत के लिए हमारे ख्वाब में अपना किरदार अदा करना है। ओरहान कहता है, मैं अपना दिल कुचल दूंगा, यही जिम्मेदारी है फिर अम्मा जान। मालून कहती है, आपने अजीम खातून को अच्छी तरह देखा है, वो खूबसूरत है, जहीन है और शरीफ है, वो हमारे अपने ख़ानदान की है, वो एक मजबूत खातून है जो आपका बोझ उठाने में आपकी मदद करेगी। ठीक है अम्मा, ओरहान कहता है, वो तुर्कमान बहू जो आप हमेशा से चाहती थी। मालून कहती है, माँ ये नहीं चाहती, ये हमारे मकसद के मुस्तकबिल के लिए है, मुझे बस यही ख्याल है। ओरहान कहता, फिर बताएं अम्मा, मैं होला फिरा से मोहब्बत करते हुए इससे कैसे शादी करूं? होलो फिगर होलो फिरा के बगैर मैं किसी और को कैसे अपनी खातून मान सकता हूँ? मालून कहती है, हमारे दिलों में रियासत के ख्वाब के अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ नहीं। हमें देखो, मुझे अपने बाबा और बाला आना को देखो, हम में से कोई भी आसान इम्तिहान से नहीं गुजरा, लेकिन देखो हमारे पास एक खेमा था, फिर एक हवेली है, और अब हम एक महल में हैं। सारे जहान पर हुकूमत करने के लिए हमें बहुत से इम्तिहान से गुजरेंगे, और तुम भी इन्हीं इम्तिहान से गुजरोगे। ओरहान कहता, इम्तिहान माँ, एक तरफ और दूसरे तरफ हमारा महबूब वतन दूसरा गोचा खातून को दिखाया जाता है। उलगन कहती है, तुमने हमें बहुत डरा दिया था गोचा बेटी, खास तौर पर शहजादा अलाउद्दीन, वो बहुत डर गया था कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। गोचा कहती है, उसका जमीर मुजरिम होगा, मैंने इससे बहुत कुछ सुना है। उलगन कहती है, वो तुमसे मोहब्बत करता है गोचा, वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मुझे माफ करना, मैं मजबूर थी गोचा। गोचा कहती है, नहीं फिक्र ना करें, ये आपकी गलती नहीं है। सुंगुर कहता है, खातिन उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब अंदर दाखिल होते और कहते हैं, मेरी बेटी जल्द ठीक हो जाओ, तुम्हारे साथ जो हुआ मैंने सुना है। गोचा कहती है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया उस्मान साहब, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। बाला कहती है, मैं आपका बहुत शुक्रिया। गोचा कहती है, मैं पहले आपसे माफ़ी नहीं मांग सकी, जो कुछ भी हुआ मैं अपनी और ख़ानदान की तरफ से शर्मिंदा हूँ। उस्मान कहता है, मैं जानती हूँ कि ये शहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा भाई कोई गलती ना कर दे। उस्मान कहता है, हमने तुम्हारे भाई से बात की है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेगा, हम आपके ज़िंदगी के मकरूज हैं, यानी शहर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप हमेशा यहाँ खुश आमदीद हैं। गोचा कहती है, शुक्रिया उस्मान साहब, मैंने जो कुछ किया वो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। उस्मान कहता है, सलामत रहो। दूसरा हमें अतरानस का मंजर दिखाया जाता है। अंड्रिया कहती है, आपकी खाला आपको बाहर जाने देंगी, लेकिन हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। अंड्रिया कहती है, क्या वो ओरहान के सिपाही नहीं हैं? बाइंदर बे किले में आए हैं, वो यहाँ उनके साथ आया होगा। दूसरा ओरहान को दिखाया जाता है। अर्जिम कहती है, ओरहान बे, मुझे खबर नहीं थी, मुझे भी सबके साथ साथ शादी का पता चला, फिर आप इससे शादी नहीं करना चाहती जिसे आप नहीं जानती। ओरहान कहता है, अर्जिम कहती है, दो सरदारों के मुस्तकबिल के बारे में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ ओरहान साहब। ओरहान कहता है, क्या आप रजामंद हैं? अर्जिम कहती है, मैं अपना फर्ज अदा करूंगी, और आप क्या आप रजामंद होंगे दूसरी खातून से मोहब्बत करते हुए भी? ओरहान कहता है, होलो फिरा। इतने में अलाउद्दीन वहां पर आता है। अलाउद्दीन कहता है कि आपने फैसला किया। आज की एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।